छत्तीसगढ़ झेरिया निर्मलकर समाज रतनपुर परिक्षेत्र के द्वारा सीपत में समाज के आराध्य प्रभु संत शिरोमणि गाडगे जयंती एवं कलश यात्रा समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज की महिलाओं के द्वारा माता चौरा नवाधीश से बाजे गाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जो बस स्टैंड से होते हुए विश्राम गृह के पास सभा के रूप में परिवर्तित हुई। कलश यात्रा पुष्प वर्षा पटाखे फोड़कर जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र धीवर ने कहा कि स्वच्छता के जनक संत गाडगे महाराज ने देश में स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज की कुरीतियों को दूर करने का उनका प्रमुख योगदान है। रतनपुर परिक्षेत्र के अध्यक्ष कृष्ण कुमार निर्मलकर ने कहा कि एकजुटता के बल पर ही समाज विकास की ओर अग्रसर होगा। प्रदेश को विकासशील बनाने में झेरिया निर्मलकर समाज का छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण योगदान है। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती नूरी दिलेंद्र कौशिक, जिला पंचायत सहसभापति राहुल सोनवानी, भाजयुमो महामंत्री दीपक शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उपस्थित अतिथियों ने समाज में स्वच्छता व शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। समाज के बिलासपुर के संभागीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम रजा, रतनपुर परिक्षेत्र अध्यक्ष कृष्ण कुमार निर्मलकर, संरक्षक मनहरण लाल कोषाध्यक्ष भागवत रजक, सह सचिव धनसार रजक, मीडिया प्रभारी सुनील निर्मलकर, कार्यक्रम का संचालन संभागीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम रजक ने किया। दो शब्द बताहा। आज झेरिया निर्मलकर समाज के संत गाडगे जी की जयंती मनाई गई, जिनमें भक्त कलश यात्रा पहली बार सीपत में आयोजित करेंगे। ये रतनपुर क्षेत्र के सुनहरा अवसर है, जिन हमन सब स्वजाति बंधु मिलकर करें और वहाँ हम सफलता भी हमें मिले। बहुत जन माताएं और बहनों सब अपन अपन कलश ले करके और कलश यात्रा में अपन हिस्सा और अपन भागीदारी दिखाई। इसके लिए हम बहुत बहुत हृदय से सीपत परिक्षेत्र के और रतनपुर पूरा परिक्षेत्र के आभारी हैं, जैन हमारे हौसल और बुलंद। नाम अपन मैं पुरुषोत्तम रजक, सचिव रतनपुर परिक्षेत्र एवं संभागीय अध्यक्ष बिलासपुर संभाग। सीपत से प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।